अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जीजीएल के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम सबसे ज्यादा क्यूरीज जीजीएल के बारे में आई थी जब टीपीएलपी का एनालिसिस किया था। टीपीएलपी का जो हमने एनालिसिस किया था, 21 रुपीज 22 रुपीज के दरमियान ये सेटल होगा और 21 रुपये से तकरीबन उसने 24 रुपये तक मूव दी। उसके बाद एक्स बोनस हो गया। ये भी आपको बताया था कि जिसने बोनस नहीं लेना तो उसको सेल कर देना चाहिए बुध वाले दिन। खैर, अच्छा, जीजीएल पे डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेंगे कि ऐसी 100 का मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वॉल्यूम कम है और उसकी एक ही वजह है जो एक अनसर्टेन सिचुएशन बनी हुई है पॉलिटिक्स की। एज सच है कुछ भी नहीं, निकलना कुछ भी नहीं है। या वजीर आजम जाएगा या वजीर आजम रहेगा, यही होना ना ज्यादा से ज्यादा। और जिन्होंने पहले नहीं देखा हुआ उनके साथ दोबारा से शेयर कर देता हूँ कि जो हमने एनालिसिस किया था कि जब भी हिस्ट्री में कभी भी वजीर आजम डिसक्वालीफाई होते हैं या फिर असैसिनेशन इवेंट की हुई है तो मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करती हैं। 2007 में बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ और उसके बाद मार्केट तकरीबन 9% मार्केट ने ड्रॉप दिया, जो आप यहाँ पे रेड बॉक्स में देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने 17% का अपसाइड भी दिखाया था, ठीक है, और मार्केट उस वक्त बुल ट्रेंड के अंदर थी। उसके बाद फिर जब यूसुफ रजा गिलानी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो उसमें मार्केट पहले ही डाउन साइड पे थी, लेकिन जो मेजर ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड था, बुल रन था। और मार्केट ने उस डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, ये रेड बॉक्स में आप देख रहे हो कि 19 जून को डिस्क्वालिफाई हुए, मार्केट ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और मार्केट सीधा वहां से एक बहुत बड़ा बुल रन दिखाया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ का डिस्क्वालिफिकेशन 28 जुलाई 2017 को हुआ, मार्केट पहले गिर चुकी थी, मार्केट एक बहुत बड़ा ड्रॉप ले चुकी थी, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के बाद मार्केट ने तकरीबन 4000 पॉइंट का अपसाइड दिखाया था। लेकिन यहाँ पे मार्केट ओवरऑल बेयर रन में थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद डिस्क्वालिफिकेशन के बाद मार्केट ने एक अपसाइड दिखाया क्योंकि मार्केट उसका इंपैक्ट पहले ले चुकी थी। और इसी तरह से लास्ट जो पॉइंट था हमारा कि अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और ये कंसोलिडेशन उसी एरिया के दरमियान हो रही है जिस एरिया में नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसी लेवल के दरमियान, उसी एरिया के दरमियान 43,000 और 47,000 के दरमियान इनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, नवाज शरीफ की भी। तो खैर, ये आपको मैंने बताया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर चले भी जाते हैं तो मार्केट का कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि इंडेक्स बेशक आपका ऊपर है लेकिन आपके स्क्रिप्ट ऑलरेडी 60% तक डिस्काउंटेड हो चुके हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है, हमने वर्स्ट चीज को देखना है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। वर्स्ट केस ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट की जो पार्टी है वो हार जाए, ठीक है, ये वर्स्ट हो सकता है ना। तो यहां से मार्केट का जो मैक्सिमम डाउन साइड, अगर कोई बहुत अनसर्टन सिचुएशन होती है, ये उस सूरत में बता रहा हूँ कि ये जिस चैनल के अंदर मार्केट चल रही है और इस चैनल का जो बॉटम है 42,700 ये लेवल है मेजर मार्केट का जो शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ स्लिप भी होती है मार्केट तो 42,000, मतलब ये उस सिचुएशन में बता रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम्स मार्केट में जो नहीं है ना उसकी सिर्फ वजह ये है कि ये जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त मुल्क के अंदर बना हुआ है। अभी भी थोड़ी देर पहले न्यूज चल रही थी के पीटीआई के दोबारा से कुछ एमएनएज सिंध हाउस में जाके बैठ गए हैं और वहां पे कुछ दोबारा से खिचड़ी पक रही है, तो ये सब चलता रहेगा, ये अगले कुछ 5-7 दिनों के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये लेवल्स हैं कि मैक्सिमम अगर इन वर्स के सिनेरियो मार्केट गई तो यहां तक जाएगी क्योंकि वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर है नहीं, तो मार्केट भी वेट कर रही है कि ये सिचुएशन की क्लैरिटी आ जाए तो मार्केट अपना एक ट्रेंड प्रॉपरली डिसाइड करे। अच्छा, जिस तरह से मैंने बताया कि मार्केट हमारी क्योंकि नीचे गिरी हुई है, जिस तरह से पहले होता आया कि मार्केट अगर नीचे गिरी हुई है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुई है या गवर्नमेंट चली गई है तो मार्केट ऊपर जाती है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, हालांकि इनका आपस में ताल्लुक नहीं है लेकिन इसका भी मेरे ख्याल से जिक्र मैंने किया था कि जो अमेरिकन मार्केट्स थी वो वेट कर रही थी, इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट इनकी आने वाली थी, फेड की अनाउंसमेंट थी, तो एक्सपेक्टेड था कि इंटरेस्ट रेट बढ़े। अब ये सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कोई सरप्राइज नहीं था उसमें, मार्केट्स ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी थी, यूएस की मार्केट्स 37,000 से 32,000 तक आ चुकी थी। तो जब इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट हुई तो मार्केट ने सिर्फ एक छोटी सी नीचे की साइड पे मूव दी और उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर चली गई जो उसका ट्रेंड चल रहा था।
क्योंकि मार्केट ने इस इंटरेस्ट रेट को ऑलरेडी पहले डिस्काउंट कर चुकी थी, तकरीबन 5,000 पॉइंट इनकी मार्केट नीचे आ चुकी थी। तो यही इसी तरह की आप समझ लें सिचुएशन हमारी मार्केट के साथ चल रही है। अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन हुई, कोई ऐसा काम हुआ, तो एक मार्केट छोटा सा झटका ले सकती है और दोबारा से मार्केट अपने ट्रैक के ऊपर आ जाएगी इंशाल्लाह से। अच्छा जी, जीजीएल के एनालिसिस की तरफ आते हैं। एक चीज मेंशन कर दो पहले कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है उसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन है, क्लोज होने वाली है रजिस्ट्रेशंस स्टॉक मार्केट की बेसिक टू एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग के लिए। आप कॉन्टेंट को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा जी, ये हमारे सामने जीजीएल का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट क्यों ओपन किया, थोड़ा सा इसकी नेचर को समझने के लिए, इसकी प्राइस की मूवमेंट को समझने के लिए। अगर हम जीजीएल को देखें, ये आपके सामने चार बॉक्सेस बने हुए हैं, तो शुरू से जीजीएल हमेशा से इसी तरह से मूव करता है जिस तरह से अब उसने इस दफा की। इस दफा थोड़ी ज्यादा स्टीप उसकी मूव थी। 2011 से हम देखना अगर शुरू करें, जिस लेवल से जीजीएल अमूमन चलता है उस लेवल तक वापस आता है। बड़ी कहानियां लगा के, स्टोरीज लगा के टोपियां पहनाई जाती हैं, हर दफा कोई नई स्टोरी आती है, ठीक है। इस दफा कोई नई स्टोरी थी और इवन के बोनस वगैरह भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद इसका हाल देख लें। और क्योंकि ये जो वन टाइम गेन वाली या वन टाइम जो स्टोरी आती है उस पर जो कंपनीज चलती हैं, डबल जीएल, टीपीएलपी, टैली, उनका हाल एट द एंड यही होता है, ठीक है। लेकिन अवाम फिर भी बाज नहीं आती, प्राइस के पीछे भागती है, प्राइस मूवमेंट को देख के उसके पीछे भागती है। खैर, दूसरी दफा भी अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस चली जहां से वहीं पे वापस आई। यहाँ पे भी आप देख लें कि 5 रुपए से जब वो चला था तो 15 रुपए से वापस वो 5-6 रुपए के ऊपर ही आया। यहाँ पे अगर हम देखें तो 12-13 रुपए से चला तो यहाँ पे उसके करीब करीब ही दोबारा से आ रहा है। तो मतलब ये रिपीटेडली यही पीछे हिस्ट्री में यही करता आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है जो अभी वो कर रहा है, ठीक है। तो इसको जरा डिटेल में अब हम डेली के चार्ट पे जाके इसकी करंट मूवमेंट को जरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसने ड्रॉप दिया था वो 39% का ड्रॉप दिया था जो इसने अपने हाई से दिया था, और उसके बाद जो सेकंड ड्रॉप था वो तकरीबन 40% का ड्रॉप था, ऑलमोस्ट सेम उतना ही ड्रॉप था जितना उसने फर्स्ट टाइम पे दिया था। थर्ड ड्रॉप सबसे ज्यादा ब्रूटल था, 43% का इसका ड्रॉप था। अगर हम इसमें देखी जाए, एक चीज देखी जाए, कोरिलेशन देखी जाए, तो ऑलमोस्ट एक ही जैसा ड्रॉप उसने तीनों दफा दिया है। मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, लास्ट टाइम उसने 43% का मतलब सबसे ज्यादा ड्रॉप दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब उतना ही करेक्ट हुआ जितना लास्ट टू टाइम वो करेक्ट हुआ। अब इसके कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके पैटर्न को अगर देखें तो जब इसने चलना शुरू किया बुलिश चैनल से, जब फर्स्ट टाइम निकला तो इसने यहाँ पे एक रीटेस्टिंग ली और दूसरी रीटेस्टिंग यहाँ पे ली, जिस तरह से टैली ने और टीपीएलपी ने भी किया सेम उसी तरह से। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं, जो मैंने जितने भी ये इस तरह के सट्टा स्टॉक्स को आपके साथ एनालाइज किया है, कि जितने भी सट्टा स्टॉक्स अगर देखें जो इस तरह से बिल्कुल शार्प एक अपसाइड पे मूव देते हैं, तो यहाँ पे आप एक मूविंग एवरेज लगी हुई देख रहे हो, 22 डेज की मूविंग एवरेज है, ठीक है। ईएमए 22 यानी वन मंथ की ये बनती है, 22 दिन होते हैं एक महीने के अंदर ट्रेडिंग सेशन जो होते हैं। तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं, ये जीजीएल है, टीपीएलपी है, या इस तरह के और जो भी स्टॉक्स हैं टैली की तरह के, तो ये जब चलते हैं तो अपनी इतनी शार्प मूव रखते हैं कि ये अपनी वन मंथ की जो मूविंग एवरेज है उसको मेंटेन रख के चलते हैं। और जब भी ये देखने में नजर आया है, जितने भी स्क्रिप्ट इस तरह के मैंने देखे हैं, जब भी अपनी वन मंथ की मूविंग एवरेज को ये ब्रेक करते हैं तो उसके बाद इनका पूरा ट्रेंड एक शिफ्ट हो जाता है। जिस तरह से अगर आप यहां पे देखें तो प्राइस जब तक ये 22 ईएमए से ऊपर चलती रही, बार बार यहां पे आके प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। यहां पे अगर देखें तो तकरीबन 4 दफा प्राइस ने रिस्पेक्ट किया हुआ है इस वन मंथ की मूविंग एवरेज के ऊपर, आके प्राइस टच करती है और बाउंस बैक करती है। लेकिन यहां पे आके जब साइडवेज एक्टिविटी हुई और उसके बाद प्राइस यहां से नीचे निकली, तो उसके बाद वो ट्रेंड दोबारा से वो एग्रेशन और वो मोमेंटम बन ही नहीं पाया और प्राइस यहां से दोबारा से नीचे चलना शुरू हुई। अब यहां पे आके प्राइस उसी तरह से नीचे की साइड पे रिस्पेक्ट भी कर रही है, यहां पे अगर आप देखो ना। तो ये जितने भी इस तरह के सट्टा स्टॉक्स हैं, ये टिप है, आइंदा से याद रखिएगा कि
22 EMA या 25 EMA ना, इसके ऊपर ही ये मेंटेन रखते हैं प्राइस को, और जब ये ट्रेंड रिवर्सल होता है मोस्टली तो इस EMA से नीचे भी ये सारे स्टॉक्स जो है ना इनका मेजर ट्रेंड शिफ्ट होता है। तो अब हम इसका जो करंट मूव है उस पर कुछ पैटर्न बना के देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम अगर देखें तो एक फॉलिंग वेज बन रही है और फॉलिंग वेज के बिल्कुल बॉटम पे प्राइस ट्रेड हो रही है। अगर हम करेक्शन की बात करें तो करेक्शन को जिस तरह से हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि सबसे पहली दफा जो इसने करेक्ट किया था वो 39%, फिर 40%, फिर 43%, मतलब कि मैक्सिमम वो जो फिगर्स हैं वो मैच हुए हैं, ठीक है, और पैटर्न के बिल्कुल बॉटम पे भी खड़ा है। और ये इसके लेवल्स होंगे 14.50 रुपए और 13.50 रुपए, इन लेवल्स के दरमियान इसको सेटल होना चाहिए। जिस तरह से हमने इसकी कॉल भी दी थी अपने जो स्टूडेंट्स वाला ग्रुप है उसमें, तो इसने ऑलमोस्ट कैप मारा था, कैप के करीब रहा था, थोड़ा सा कैप से नीचे इसने ट्रेड किया। अब ये जिस तरह इस तरह के जितने भी स्टॉक्स हैं, टैली, TPLP और ये डबल GL वगैरह, हालांकि ये बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, जब ये बाउंस बैक करेंगे तो ये एक अच्छा डिसेंट बाउंस इनको दिखाना चाहिए, कम से कम 15-17% का इसको अपसाइड दिखाना चाहिए। लेकिन अब मसला क्या है, इन्होंने एक एक अपर कैप तो मार दिया, टैली ने भी मार दिया, TPLP ने भी मार दिया, ये डबल GL भी इसके करीब गया था, कैप के करीब। अब मसला क्या है कि मार्केट के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्केट वेट कर रही है कि जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, ये एक साइड पे हो सारी चीजें, तो मार्केट के अंदर वो वॉल्यूम्स हैं। क्योंकि अगर आप देखें करंट मार्केट में जो वॉल्यूम चल रहे हैं वो बिल्कुल ही श्रिंक हो गए हैं, वो 50 मिलियन के अराउंड आ गए हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। 50 मिलियन तो एक के इलेक्ट्रिक के अंदर या यूनिटी के अंदर एक टाइम पे वॉल्यूम लग जाता था, ठीक है, तो मार्केट उस चीज का वेट कर रही है। क्योंकि अगर अभी मार्केट में वॉल्यूम्स होते तो इनका जो बाउंस था वो बड़ा शार्प आना था, ठीक है, 15-17% कम से कम इनके अंदर बाउंस बैक आना था, लेकिन वो नहीं अभी आ रहा। और लेकिन ये इस लेवल को अगर मेंटेन करके रखेंगे, TPLP का जो बताया वो तो चले बोनस एक्स हो गया, टैली का जो बताया और ये डबल GL का बताया, ये अपने इन लेवल्स को मेंटेन रखते हैं, जो सेटल होने वाले जो लेवल्स है 14.5 और 13.5 के बीच जो इसका लेवल बताया, अगर ये लेवल मेंटेन रखते हैं जब मार्केट बेहतर होगी तो ये अपना बाउंस बैक कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये एक ही रेंज के अंदर, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा यही है कि एक ही रेंज के अंदर चलें, और जब मार्केट के अंदर कुछ वॉल्यूम्स इंप्रूव हो तो ये आपको फिर वो वाला बाउंस बैक दिखाएं, जो इनकी एक एग्रेसिव डाउन साइड इनके अंदर आई हुई है उस हिस्से का एक इन्होंने जो बाउंस बैक देना है, जो कि डबल GL आपको शायद 17.5-18 रुपए तक बाउंस बैक दे सकता है, इसी तरह से टैली जो है वो 14-14.5 रुपए तक बाउंस बैक दे सकता है। तो ये जो बाउंस बैक है, ये मार्केट के अंदर थोड़ी एक्टिविटी जब आएगी तो इनके जो ड्यू हैं, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा इनकी स्ट्रेच हो चुकी है, ठीक है, तो वो एक बाउंस बैक इसके अंदर आ सकता है जब मार्केट में थोड़ी एक्टिविटी आएगी, ठीक है जी। मार्केट के हवाले से भी बता दिया कि भाई पॉलिटिक्स में कुछ भी हो जाए, मार्केट ऑलरेडी आपकी इस लेवल पे डिस्काउंटेड होकर खड़ी है कि मार्केट ज्यादा यहां से कहीं पे जाने वाली नहीं है इंशाल्लाह से, ठीक है। ये GGL का एनालिसिस था, और आगे कौन सा हमें स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा एनालिसिस के बारे में जितने भी पहले किए, क्योंकि ये टिपिकल हम जो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये टूटा और ये आगे इंडिकेटर, उस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह से कोशिश होती है कि ऐसी चीजें ना की जाए जो हर तरफ हो रही है। और इस तरह के ट्रैप से बचना चाहते हैं तो मार्केट के बारे में सीखें, फिर मार्केट में काम करें, और फिर मार्केट आपको कमा के देगी इंशाल्लाह से।